रोज रोज क्या गंदा कर, तबियत खराब के दिन हर दस्त आएगा रोज रोज। इसको तो हटा दो जो धूला है उसको तो, गया मेरा को भी क्लीन किया था, ये सारे फूल ये सारे सभी को क्लीन किया था। ये आज हस्बैंड क्लीन कर क्या हो गया बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इस मूंगफली की चटनी बनाई थी। बहुत अब ड्राई क्लोथ से क्लीन कर देंगे जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से तो बनाया तो मैंने क्रेडिट वो क्यों ले रही है, देखने में तो काफी अमेजिंग काम करवा रही कितनी मैं काम नहीं करवा रही हूँ खुद से कर रहे हैं मैंने तो मना किया था करने से आपने तबियत सही करने के लिए ये काम लिया है। तबियत खराब है इनकी, मैं कंपनी नहीं जाऊंगा, लेकिन ठीक है कंपनी नहीं गए तो काम करिए घर में साफ सफाई। हाँ तो कंपनी ले गए तो घर का काम करना पड़ेगा ना, तबियत ठीक हो जाएगा, तबियत ठीक हो जाएगा। अब जिस इंसान को काम करने की आदत हो अक्सर तो वो इंसान कैसे खाली बैठ सकता है। छत पे झाड़ू पोछा मारता है पता नहीं, छत पे झाड़ू लगाता है चलो शोमो नाश्ता कर लो तुम लोग। क्या माँ? थैंक यू। शोमो स्टडी कर रही है और शानू भी स्टडी कर रही है पूरा लेट के। अच्छे से बैठ जाओ, बैठ के खाओ। और फिर बताना मुझे सब कुछ ओके है या नहीं। ठीक है, नमक उगरा इज परफेक्ट। परफेक्ट चटनी कैसी लग रही है? ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे अच्छी नहीं लग रही। इतनी अच्छी नहीं लग रही चटनी, मूंगफली की है। मूंगफली की है, अच्छा। टमाटर की या फिर धनिया की होती तो अच्छी। मूंगफली पसंद नहीं है ना तुम्हें? और शानू तुम्हें? मैं बस चटनी का बोल रहा हूँ, चटनी का एकदम ठीक ठाक है। हाँ। ठीक ठाक। हाँ। बाकी इडली का तो आप जानते हैं। इडली का क्या है? अरे जैसा आप हमेशा बनाते वैसे ही है ना। अच्छा है या नहीं है? हाँ हाँ बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। ये देखिए पति को कामों में लगा। तीन सालों के बाद कर रहे हैं सफाई, 3 साल के बाद। 2020 के पहले आपने सफाई करी थी, 2019 में सफाई करी थी, फिर 20 से बंद हो गया, 20, 21, 22 और ये 23, 3 साल के बाद आप कर रहे हैं। कोविड के बाद मेरा तो बिस्तर आज गया। अगर उसको किसी चीज की चिंता होती ना तो इसको अपने बिस्तर की होती है। एग्जैक्टली मेरा फील्ड है। आप लोगों ने मेरे को निकाल दिया था अपने बेडरूम से, तो यही होगा ना। हाँ सही बात है। रोज रोज क्या गंदा कर, तबियत खराब के दिन हर दस्त आएगा रोज रोज। इसको तो हटा दो जो धूला है उसको तो, गया मेरा गया धुला हुआ गया भाई। जब काम कर रहा कल मैंने सारी चीजों को इतने अच्छे से धुल के साफ करके सुखाया था यार। यार सिर्फ झाड़ना काम नहीं होता है, चीजों को पहले हटाना भी काम होता है। मैनेज करिए आप लोग अपना अपना काम। काम करने आए ना तो काम करेंगे।
काम नहीं कर रहे, खाली खराब कर रहे हैं। खाली खराब करने वाला काम, इधर उधर कुछ भी कहीं भी फेंक दे रहे हैं आप। देखो 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 नीचे टावर आई। आपके धुले हुए टेडी भी है। सानू हटा सब, चेयर ले जा बाहर रख दे बेटा। अरे मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी चेयर उठा बाहर रखा। भाई साहब कितना भारी है। लो मेरे नाक पे ही आ गया। वाह मम्मा की कपड़ा देख, गजब है। कहां है बाहर तो थो बहुत हो गया, ये पंखा तेज हो जा गया आज। आज या तो तेज ही हो जाएगा या तो बस चल रही है। भी डाल दीजिए अब, आप पंखे को आपने छू ही लिया है तो। पंखा नहीं छुआ। कल मैंने इन फूलों को भी क्लीन किया था, ये सारे फूल, ये सारे सभी को क्लीन किया था, और भी कुछ टैडीज वगैरह भी मैंने क्लीन किए थे। तो जो भी क्लीन हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को जो है कि मैंने क्लीन किया था। यहाँ का कर्टेंस जो था, ये कर्टेंस भी मैं यहाँ का क्लीन की हूँ। अभी कुछ कर्टेंस बाकी है, जैसे वो वाले कर्टेंस आप देख रहे होंगे, वो कर्टेंस क्लीन करना बाकी है। बेडरूम का जो कर्टेंस है वो भी करना अभी बाकी है। तो धीरे धीरे एक एक करके मैं क्लीन कर रही हूँ। फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो सफाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए, बहुत सी क्लीनिंग करनी है। घर में बहुत सारे इस सीजन में ना झाले बहुत हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आप आज साफ करिए, एक हफ्ते बाद आपको फिर से झाले दिखाई देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी झाले हो जाते हैं। और हस्बैंड आज क्लीनिंग कर रहे हैं पूरे फैन की, जितने भी फैन हैं घर के। एक फ़ैन तो मैंने उस दिन ही क्लीन कर लिया था, बेडरूम वाला पहले ही क्लीन कर दिया था। बाकी ये सारे जो फैन हैं ये आज हस्बैंड क्लीन कर क्या हो गया झूठ झूठ झूठ। ये सारे व्यूवर्स ने देख रखा है कि मैंने बेडरूम का मैंने ही क्लीन किया था फैन। वो पूरा ना वो है, सब कुछ लाइव होता है। आपने सिर्फ इनको क्लीन किया है, ड्राइंग रूम को इधर के फैन को क्लीन किया है। तो सारे व्यूवर्स ने ऑलरेडी देख रखा है कि किसने कहाँ का क्लीन किया है। प्रूफ एविडेंस। ये बेनिफिट होता है वीडियो रखने का, ये तबीयत खराब थी आप तो थोड़ी सही हो जाएगी, काम किया आपने तो। Exactly. देखो जिसके जिसको जो लत होती है ना, वो वाली चीज अगर ना करे ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। आपको लत है काम करने की, आपने आज काम नहीं किया, संडे था तो आपकी तबीयत खराब हो गई। अब देखिए काम करें आप ठीक हो जाएंगे। अभी दलिया की ब्राउनी, चलो ट्राई करेंगे दलिया की ब्राउनी भी। तो मेरे हस्बैंड गए अब नहाने, सारा फैन क्लीन करने के बाद में, और बच्चों ने नाश्ता कर लिया। तुम लोग को और चाहिए इडली? ये लो ये लो। कितनी चाहिए? चांद में सारी ले लो। ले लो ले लो जितनी चाहिए ले लो। ठीक है बस बस बस। तो अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया, मेरे हस्बैंड और मैं अब दोनों बैठ के हम नाश्ता कर रहे हैं। और चटनी इतनी लाजवाब है क्या बताऊँ, फर्स्ट बाइट मैंने खा के चेक किया, बहुत ही लाजवाब चटनी बनी है। सोमू को सिर्फ इसलिए नहीं पसंद आ रहा था कि वो मूँगफली की थी, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया चटनी बनी है। मैं अगली बार फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इस मूंगफली की चटनी बनाई थी, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और अभी जो है ना शानू रिकॉर्ड कर रही है वीडियो, देखिए क्या कर रही है, करामात कैसे भी उल्टा सीधा रिकॉर्ड कर रही है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज मम्मा इस शेल्फ में बहुत सारे टॉयज लगा रही है, आई थिंक मतलब ये जो पूरा शेल्फ है हमारा इसको पूरा मम्मा सजा रही हैं। तो अभी झाड़ू से साफ कर रही हैं ताकि जाले जो है सारे हट जाए, साफ हो जाए अच्छे से, क्योंकि साफ करना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो पहले झाड़ू से सब वो जाले हटाए थे, अब जो डस्ट है उन सबको एक हम लोग कपड़े से हटा रहे हैं।
गीला कपड़ा। देखो भाई कितना डस्ट हुआ है, ये देखो कितना ज्यादा डस्ट हुआ है, ये देखो डस्ट की भरमार, ये देखो डस्ट। इसको क्लीन करने में काफी अच्छा वक्त लगने वाला है, देख रहे हो डस्ट। इसके लिए तो मम्मा को कॉलिन चाहिए होगा। हाँ कॉलिन से बाद में करूंगी, पहले सारे मोटे डस्ट डालूंगी। अच्छा ठीक है, क्लीनिंग करने के बाद ही हम लोग ठीक कर देंगे इसको। तो कैसे ही रहने देते हैं। वाओ क्या स्लाइड लग रही है, इतनी सुंदर सी। ओके अभी ले रही हूँ मैं सरफ पॉकेट में और इसको करूंगी सर्फ के साथ में क्लीन। रेसिपी देख लीजिए, बहुत अच्छी क्लीनिंग होगी। रेसिपी वाओ, क्लीनिंग रेसिपी, हाउ क्लीन दिस टॉवल। टॉवल तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा क्लीन हो गया, पहले जो इतना डर्टी दिख रहा था इतना साफ दिख रहा है, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। चमक इसकी आ गई। अब ड्राई क्लोथ से क्लीन कर देंगे, अभी गीले सरफ वाले क्लोथ से किया था ना, अब ड्राई टॉवल लेके इसको क्लीन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अच्छा और अब ठीक हो गया, चलो बढ़िया है। रैंक को क्लीन करके सारी चीज़ों को उसकी प्लेस पर रख दिया है और अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। डस्ट जब लगे रहते हैं चीज़ों पे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वही जब डस्ट क्लीन कर दो और अच्छे से साफ सुथरा होने के बाद में वही सेम चीज़ें कितनी खूबसूरत लगने लगती हैं, ऐसा लगता है जैसे घर बिल्कुल नया हो गया हो। तो हमारी प्यारी सौम्या ने बनाया है आज कुछ स्पेशल, चलो देखते हैं क्या है। टंटन ये देखा, ये क्या है बताओ, गेस करो फटाफट से बताओ कमेंट में क्या है ये, जल्दी से। 3, 2, 1 Yes. Bread lasagna. Bread lasagna. Italian bread lasagna. Italian dish है. Very nice. Georgia Meloni की तरफ से. तो बनाया तो मैंने, credit वो क्यों ले रही हैं? देखने में तो काफी amazing लग रहा है. Nice. Wow. चलो खाते हैं. Natural लिमका बनाया है? हाँ. Wow. हाँ बेटा हाँ. ये रहा ब्रेड लज़ानिया, शोमू का इटालियन डिश। चलो वैसे मैंने पहले भी खाया है इसका, ये इटालियन डिश काफी अच्छा बनाती है ये। और जो मेयर हमने किया वो हम ही जानते हैं। नाइस, वेरी टेस्टी। ओनली वी नो व्हाट वी हैव डन हेनरी, काफी मेहनत लगी है। बोलो यार, ओनली वी नो व्हाट वी हैव डन है ना। आप दोनों बहुत देर से लगे हुए थे किचन में। और तो है एक्चुअली इसको बनाने में ना प्रीमेड चीजें ज्यादा लगती हैं। हाँ लाइक चीजों को पहले से ही बना बना के रखे रहो एंड सिर्फ ब्रेड लाओ उस पर लगा के अवन के अंदर। अवन के अंदर भी इसलिए क्योंकि चीज है उसको मेल्ट करने के लिए। अवन के अंदर बनाया इसको। नाइस। नेक्स्ट टाइम मेरे व्यूअर्स को भी दिखाना कि तुमने कैसे बनाया जानी है। वो तो सीक्रेट ही रहेगा, मैं कैसे अपने सीक्रेट में ना बताता। हर चीज शेयर करनी चाहिए ताकि ज्ञान सभी के पास पहुंचना चाहिए।
कभी भी ज्ञान खत्म नहीं होना चाहिए, ज्ञान आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही तो इसरो नहीं करता। और तभी जब शेयर करते हैं तभी बढ़ता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो तब भी बन जाएगा। हाँ भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और खास करके लाइक करना बहुत जरूरी है, तब आपको ये रेसिपी कैसे बनाई है सौम्या ने ये आपको पता चल जाएगा भाई, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप सच में जानना चाहते हैं कि नहीं। हाँ, वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि हाँ कैसे बनाए थे बताए, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए जिससे पता चल सके सौम्या को कि आप जानना चाहते हो। सिप सिप, कोल्ड ड्रिंक जैसा। इस लिमका की भी सीक्रेट बनाया है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, इतना अच्छा इसका टेस्ट लग रहा है। तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे, अगले ब्लॉग में फिर आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।